सभी बच्चे का भविष्य लिख दिया गया है, फेल होने का लिख दिया गया है, फेल होने का। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग वीडियो। तो गाइस, अभी बज रहा है सुबह के, कहाँ गई घड़ी यार, हाँ वहाँ पे लगे। तो गाइस, अभी मैं भैया के रूम में आ चुका हूँ और टाइम हो रहा है 8:45। तो अभी हम चलते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि आज डे का स्टार्ट काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ हुआ है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, और हमारे वेकेशंस भी चल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बट मेरा फुल टाइम जो है शेड्यूल मतलब डिस्टर्ब हो गया पढ़ाई का और वो सब, तो उसको मैं सही करने वाला हूँ आज से। और अब हमको फिलहाल दुकान भी देखना पड़ता है, क्योंकि भैया लखनऊ रहते हैं और पापा को LIC वगैरह काम ऑफिशियल काम से रहते हैं, तो मुझे दुकान पे रहना पड़ता है, तो बहुत कम टाइम मिलता है बाहर निकलने का उतना। आई थिंक स्कूल वगैरह चल रहा था तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था, ब्लॉग बना लेता था और सब भी, लेकिन घर पे थोड़ा मतलब दिक्कत होता है, लेकिन कोई नहीं। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि सुबह के 9 बजने वाले हैं। फाइनली गाइज, रेडी हो चुके हैं, और आपको मैं बता दूँ अभी हमको जाना है स्कूल पे, तो उससे पहले हमको चल फॉर्म फिल करना है जो हमारे ID वगैरह के लिए है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह के लिए, तो उसको हम फिल कर लेते हैं अभी फॉर्म को, और उसके बाद फिर देखते हैं कौन हमारे दोस्त आते हैं हमको पिक करने। वैसे भी हो चुका है 10:30, तो चलते हैं जल्दी से फॉर्म फिल करते हैं। गाइज, ये रहा फॉर्म, और ये हमारे स्कूल का फॉर्म है, तो चलते हैं इसको फिल करने। फॉर्म फिल हो गया, फाइनली मैंने फॉर्म फिल कर लिया है, और वो रहा ये फॉर्म स्कूल ID के लिए जो है। अब हमको जाना स्कूल में जमा करने, और इट्स 11:00 राइट नाउ। दोस्तों का फॉर्म नहीं फिल हुआ था तो मैंने फॉर्म निकाल लिया है, बस उनको पेस्ट करना है और फिल करना है। देखते हैं कौन, अभी मैंने कॉल किया है अपने दोस्तों को, देखते हैं कौन कौन आता है हमको पिक करने, और उसका फिर आई थिंक इमरान आएगा क्योंकि वो पास में है तो आ जाएगा, और बाकी सब हम लोग रास्ते में मिल जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी इमरान बाहर आ चुका है करके, तो अभी हम लोग चलते हैं रास्ते में और दोस्त मिलेंगे। सो चलते हैं फिर। फाइनली अभी बाहर आ चुके हैं, और ये रहे हमारे भाई लोग बालक, नहीं हमारे दोस्त वगैरह आ चुके हैं, इमरान, रितेश, आयुष, साहिल, विवेक, और भाई एक और राधा शेरा, और दो भाई हमारे वहाँ पे हैं। सो गाइस, अभी हम लोग निकलते हैं स्कूल के लिए, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो चलते हैं फिर। गाइस, अभी हम लोग निकल चुके हैं स्कूल के लिए, बाकी भाई सब पीछे हैं, तो चलते हैं इंजॉय करते हैं। अनजान रास्ते पर निकल चुके हैं मंजिल की तलाश में। बैठ चुके हैं अस्मित की बाइक पे, और अभी सभी हो रही है गाइस, अभी मतलब मैथ्स बायो सभी क्लासेस के एक साथ हम लोग मिल चुके हैं एक सेक्शन के। हम लोग स्कूल पे आ चुके हैं, JDS जो पीछे है, तो अभी हम लोग चलते हैं अपना फॉर्म वगैरह जमा करते हैं, और फिर देखते हैं कोई प्लान बनता है तो कहीं निकलते हैं घूमने वगैरह के लिए, देखते हैं। पर अभी चलते हैं स्कूल के अंदर, सभी हम लोग एंटर कर रहे हैं स्कूल के अंदर। फॉर्म यहाँ फिल हो रहा है बिकॉज स्कूल में अभी सेंटर है एग्ज़ाम का, तो फिर फॉर्म यहाँ फिल हो रहा है, तो हमने अपना सबमिट कर दिया, बाकी मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, तो चलते हैं फिर वहीं पे। डाबर भी आ गया हमारा फ्रेंड,
गया भाई। गाइस मैंने अपना फॉर्म जमा कर दिया है और मेरा काम तो कंप्लीट हो चुका है, बाकी मेरे दोस्त वगैरह अभी तक फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो इनके वजह से जो लेट हो रहा है तो फिलहाल करने दो, इनको बता भी देते हैं। इन लोगों के पास गम नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा गम था तो मैंने इनको गम दे दिया है। भाई गम मिल गया है ना? बहुत गम। सो गाइस हमारे सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं यहाँ पे भाई, और एक और भाई हमारे सब्सक्राइबर, नाम बता दो। हर्ष मिश्रा, इजाज अंसारी। तो गाइस दे आर माय सब्सक्राइबर्स और वो देखते ही मुझे मिल गए और बोला कि भाई आपके सब्सक्राइबर हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। थैंक यू भाई। अश्मित क्या हो रहा है? लिखाई पढ़ाई हो रहा है, छोटा छोटा लिखा जा रहा है। अच्छा अच्छा, लिखो। अभी अभी बहुत गर्मी है, तबाही मच चुकी है। अच्छा जब भरो अभी मिल चुका है हमारा सब्सक्राइबर वाला भाई। आपके साथ कहाँ भाई? हमारा ये जो स्कूल में बोर्ड का सेंटर आया था एग्जाम का, वो हो चुका है, इसलिए PIC और अदर स्कूल के बच्चे हैं तो वो जा रहे हैं घर, तो हम अपना फॉर्म वाला ही काम कर रहे हैं। गाइस आई हैव न्यू सब्सक्राइबर्स हियर, PIC के भाई वगैरह हमारे और न्यू सब्सक्राइब किए हैं अभी चैनल पर। माय सब्सक्राइबर्स गाइस दे आर माय न्यू सब्सक्राइबर्स। हेलो गाइस, और हम लोग आ गए हैं अपने स्कूल में और स्कूल से सेंटर निकलने वाला है। सभी बच्चे का भविष्य लिख दिया गया है, लिख दिया गया है। सो गाइस सभी बच्चों का भविष्य लिख दिया गया है गोरे कागज पे। गाइस हम लोगों ने फॉर्म वगैरह फिल कर दिया है और अब निकलते हैं घर के लिए या फिर रास्ते में मिलते हैं। अभी हम लोग स्कूल के बाहर आ चुके हैं और आप इन सबको चेहरों को पहचान सकते हो, ये हमारे दोस्त हैं। और हम लोगों ने फॉर्म वगैरह जमा कर लिया सक्सेसफुली, और इसी टाइम पे बोर्ड एग्ज़ाम का सेंटर जो आया था, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जमा होते जा रही है क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे स्कूल में सेंटर आया था एग्ज़ाम का, बोर्ड एग्ज़ाम का, तो वो अब छुट्टी हो चुकी है तो और चहल पहल बहुत तेज़ी से मच रही है भाई। सब बच्चे अपने भविष्य एक गोरे कागज पे लिख कर आए हैं, अब भगवान उनको उधुरा दे कि बढ़िया नंबर पाए वो। हाँ तो अब दिखाते हैं यहाँ पे कितना भीड़ है। अभी हम चलते हैं कहीं। इमरान। तो गाइस अब थोड़ी देर रेस्ट कर लिया यहाँ पे और अब फिर निकलते हैं यहाँ से। तो अभी हम फिलहाल स्कूल से निकल चुके थे और मंदिर के पास थोड़ा रुका था आराम करने के लिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा धूप था, तो अभी निकले हैं, देखते हैं कहीं जाने का प्लान होता है कि नहीं। वैसे तो मतलब काफ़ी दोस्त हमारे निकल चुके हैं घर के लिए और कुछ बच्चे दोस्त पीछे हैं और कुछ यहाँ साथ हैं, तो देखते हैं कहीं चलना होता है। भाई साहब ये स्कूल इतनी ज़्यादा धूप मिल रही है यहाँ भाई। कहाँ गाइस चश्मा इसलिए लगा लिया है क्योंकि मतलब फैशन के वजह से नहीं, बस ये धूल वगैरह मेरी आंखों में चल जाते हैं, मतलब आंख जल्दी लाल हो जाता है, तो इसके वजह से मैंने सोचा कि चश्मा लगा लेते हैं। तो गाइस अभी हम लोग का प्लान बन चुका है रामकोला।